नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आज मैं बाराबंकी जनपद के ग्राम पंचायत भैसुरिया, जो मजा लगता है खानपुर, ये इधर खानपुर गांव पड़ता है, खानपुर गांव के पास मौजूद हूँ, जो ठाण लगता है मसौली। यहाँ पर वन माफियाओं ने इस तरीके से हरे भरे आम के पेड़ों को कटाया है। क्या दिखा चाहता हूँ कि ये हरा भरा आम का पेड़ है, फल देने वाला पेड़ है, इसको कटाया है। यहाँ पर जो है वन माफिया तो डाल डाल में पाँच पाँच की तर्ज पर काम करते हैं कि इस तरीके से कटाया है कि छूट भी निष्ठाबूत कर दिया है, छूट भी जो है घाजब करने का प्रयास किया। दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से, यहाँ पर कोई दिखेगा तो नहीं दिखेगा, यहाँ पर कोई छूट है, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए जो है ये छूट लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा पेड़ जो है कटाया गया है। इस तरीके से है नंबर एक, ये नंबर एक पेड़ यहाँ पर है, उसके बाद ये है। यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ कि कोई नहीं देखे, यहाँ पर छूट हो सकता है, लेकिन ये भी बंद कर दिया गया है, ये भी आम का पेड़ है। ये छूट नंबर दो, यहाँ पर भी पेड़ लगे हुए जो है, पत्ती पड़ी है दो। और जो है आगे और दिखाना चाहता हूँ, तो कह दिखा है कि ये है, यह पेड़ जो है नंबर तीन है, ये छूट नंबर तीन है, पेड़ नंबर तीन आम का पेड़ है। और आपको इधर दिखाना चाहता हूँ, यही एक पेड़ है, ये भी एक जो है बंद कर दिया है। ये देखिए, ये भी जो है छूट है, ये चार नंबर है। इस तरीके से जो है छूट को बंद कर दिया है अवैध भू माफिया, जो डाल डाल में पाँच पाँच तर्ज पर ये पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पर कटाते हैं। और ये एक यहाँ पर भी है, ये भी है, यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो है छः, और ये सात, इस तरीके से सात पेड़ों को जो है, हरे भरे पेड़ हैं, सात पेड़ों को नेस्ताबूत किया है, ये आम के हरे भरे पेड़ों को, सात पेड़ों को कटाया है। अब देखना यही है कि खबर को संज्ञान में लेकर के वन विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। एक पेड़ और रह गया है, ये देखिए, यहाँ पर भी जो है एक छूट लगा हुआ है, ये भी एक छूट लगा हुआ है, यहाँ पर भी पेड़ था, और एक पेड़ जो है इधर यहाँ पर भी है, ये देखिए यहाँ पर भी है। इस तरीके से जो है कई पेड़ों को कटाया है, आठ नौ पेड़ों करीब कटाया है। अब देखना है वन विभाग इस पर क्या ठोस कार्रवाई करता है। नमस्कार, मद्रेश कुमार, कैमरा पर्सन आर्य शर्मा के साथ 12 बजे।